में क्या खाएंगे हम? उधर बताओ। मैं तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो, न्यू डे। तो गाइस, आज मैं धर्मशाला में, इस समय मैं अपनी मासी के घर पे हूँ। सुबह के 10:45 हो गए हैं, थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं उठने में, बिकॉज रात को बहुत लेट आए थे। आपके सामने मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसके बाद थक गई थी बहुत ज्यादा, तबियत खराब हो गई थी रास्ते में, तो सो गए थे। तो अभी 11 बजे तक का टाइम है मेरे पास सोने के लिए, तो अभी मैं उठ के फटाफट से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं आज हम कहाँ जाएंगे और कौन सी नया प्लेस ऐसा होगा जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, मैं जरा 5-10 मिनट और रेस्ट मार लेती हूँ जब तक मुझे कोई उठाने नहीं आ जाता। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, अब उठ तो मैं गई हूँ, अब बाहर चलते हैं। एक बार आपको मैं मॉर्निंग व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से कैसा है। वैसे मॉर्निंग मॉर्निंग रही नहीं है, 11 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग, उधर भी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, ये हमारी ऑडियंस है, ये मेरी मासी है। तो चलो हम बाहर चल लेते हैं। तो आप ये देखिए व्यू यहाँ पे उत्तरे की, बिल्कुल बर्फ पड़ रही है वहाँ पे, और आप क्लाउड्स को देख सकते हैं, पूरे क्लाउड्स ने वहाँ पे माउंटेन्स को कवर किया हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, आप देख सकते हैं ये नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी तो सुबह ही नहा धोके तैयार होकर बैठ गई, मम्मी ठीक हो? कितने बजे उठे थे बोलो? 7 बजे। 7 बजे उठ जाते हैं यार ये, और मैं 11 बजे से होकर उठ रही हूँ। ये पानी क्यों रखा हुआ है यहाँ? और मम्मी नाश्ते में क्या है आज? मूली के परांठे बनने वाले हैं नाश्ते में, तो जरा मैं फटाफट फ्रेशन अप हो जाऊँ, फिर आप मेरे लिए गरम गरम परांठे बनाओगी। यस यस, तो यस बोल दिया मम्मी ने, अब मेरे लिए गरम गरम परांठे बनेंगे। तो चलो बता दो, मैं फटाफट से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर घूमने चलेंगे। कहाँ जाएंगे आज? कहाँ जाना बता? अरे तेरी मम्मी बाइक पर लेके जाना आज। नो मैं नहीं जाऊँ। फिर किस में जाएंगे? गाड़ी में? गाड़ी में, गाड़ी के बिना तो पैर नहीं रखती मम्मी नीचे, है ना मम्मी? चलो अच्छा मैं नहा लेती हूँ, आप फटाफट से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी। सो भाई मेरे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, देखो और बनाने वाला कौन है, शक्ल देखो इनकी अच्छी है तेरे से। तो मैं दिखा रहा था कि कौन है, उन्हें भी पता लगे कौन बना रहा खाना, बिना शक्ल देखे कैसे बता देंगे कौन बना रहा खाना। थैंक्स टू मी। और देखो आज, वैसे तो ये कभी घुसती नहीं है किचन में, आज पता नहीं कैसे सूरज का, आज सूरज तो निकला ही नहीं। हम सब ने तो परांठे खा लिए थे, तो ये अमन जो है ये परांठे नहीं खाता, ये ब्रेकफास्ट में ब्रेड जाम बटर ही मिलता, तो इसके लिए बना रही हूँ, सो दैट जल्दी से ये फ्री हो और हम आगे जा सके कहीं और। That's हो गया, और कुछ तो नहीं बचा? दूध डाल देती हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया, बट अब बाहर जाना है। बाहर की हालत इतनी खराब है, आपको दिखाती हूँ, इतनी ज्यादा बारिश आ रही है, लिटरली अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे ओले पड़ रहे थे, और बारिश इतनी ज्यादा हो गई है, बारिश का उससे निकलती है तेज आती है, पूरे बादल कर देते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है माउंटेन की तरफ, कोई पहाड़ कुछ नहीं नजर आ रहा है, इतनी ज्यादा बादल है और ठंड लग रही है। तो थोड़ी देर अंदर ही बैठ जाते हैं, जरा मौसम ठीक होगा फिर कहीं जाने का सोचेंगे। तो चलो अंदर बैठ जाए। तो आज एक मैरिज फंक्शन में जाने वाली हूँ मैं यहाँ पे, वो मेरे भाई का एक फ्रेंड है, उनके घर पे मैरिज है, तो वो हम वहाँ पे हम फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। तो जाने से पहले मैंने सोचा हेयर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो क्यों ना सैलून जाके अच्छा सा स्पा लिया जाए, अच्छा सा हेड वॉश लिया जाए। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हिमाचली धाम होगी, जो हिमाचल के लोग होंगे दे मस्ट नो की वॉट इज दिस, बट जो हिमाचल के नहीं है उनको नहीं पता होगा। तो आज आप सबको मैं बताऊंगी हिमाचली धाम क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे सिटीज में जितनी भी पार्टीज होती है, मैरिज फंक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे रिसेप्शन पार्टीज इस टाइप का कुछ होता है, बट यहाँ पे हिमाचली धाम होती है, उसमें क्या होगा ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अभी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। गाइस फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और जो यश भैया जिन्होंने हमें इनवाइट किया वो हमें लेने आया, मैं मिलवा देती भैया, मेरी ऑडियंस को हाई कर दो। तो ये भैया जिन्होंने हमें इनवाइट किया और अब हमें लेके जा रहे हैं, चलो चलते चलो चले। जोर से
अच्छी गाय, ये हमारी अच्छी गाय है ना, चले चल मेरे साथ। क्यों तुम जैसे घर तो दिखा दे, मम्मा से तो मिलवा दे। हाँ लेके चलो मुझे। नमस्ते, ये हमारे भाभी, ये हमारे भैया और ये हमारी ये अच्छी गाय है ना। तो अब फाइनली हम दाम खाने जा रहे हैं। यशिका मुझे गाइड करेगी हमें कहाँ जाना है ना। यशिका चले ऐसे, चलो 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 चलो, तो पता ही नहीं है रास्ता। यशिका तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि आज यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आई थी। फिलहाल अब तो यहाँ पे धूप निकल चुकी है और जब भी यहाँ पे बारिश आती है तो वैसे नॉर्मली जो यहाँ पे पानी है वो साफ रहता है, बट बारिश आने की वजह से पहाड़ों की जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ आ जाती है, पानी का कलर ऐसा हो जाता है। देखने में तो अच्छा भी लग रहा है, ऊपर आप देख भी सकते हैं बर्फ की वजह से दिखाई दे रही है। बर्फ कहाँ है, जो इस साइड पे यहाँ पे तो धाम चल रही है और उसके बाद जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे बैक साइड पे यहाँ पे किचन है जहाँ पे ये सब कुछ बन रहा है और यश भैया हमें लेके जाएंगे यहाँ पे। चलो ये सारी किचन हाँ लाइक लकड़ियों से बन रहा है ना। अच्छा इसमें सारा चूल्हे से बनता है, गैस वूस का कोई यूज नहीं होता। लाइक हमारे वहाँ तो सिलेंडर्स गैस हर जगह यही होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये पीतल के होते हैं सारे? हाँ पीतल के। अच्छा और स्पेशलिटी क्या होती है यहाँ पे? स्पेशल जैसे कि ये बनाते हैं ना, जैसे हम खट्टा बनाते हैं। हाँ जी, उसमें फ्रूट डाला पीस कर। अच्छा अच्छा, उसमें से ग्राइंड करके उसमें ग्रेवी बना के ज्यादातर उसको। और टोटल कितनी सब्जियाँ होती है आपके पास? 8 या 9 से कम। 8 या 9 सब्जियाँ होती है? 8-9 सब्जी खाई भी नहीं जाती है, इवन पेट भर गया था बट वो खत्म नहीं हो रहा था आने के लिए। और सच में बहुत ज्यादा यमी होता था और मेरे को वेट नहीं हो रहा, मैं जाके खा लेती हूँ। और हाँ ये जो यशिका दिखा रही है ये मुझे यहाँ से गिफ्ट मिला है। यहाँ से बोलते हैं कि किसी को खाली नहीं जाने देते तो इसीलिए मुझे मिला। इसको क्या बोलते हैं? सुहागी। चले अब हम दाम खा ले फटाफट। चलो चलो अब चलो। तो यार फाइनली अब हम धाम खाने बैठे हुए यहाँ पे और ये देखो चावल एंड यहाँ का फर्स्ट डिश होता है वो मद्रा होता है। और ये हमारे साथ आज है हमारी यशिका। हेलो करो, हेलो करो, बाय नहीं हेलो कर। हेलो बाय करते हैं। चलो चलो कोई नहीं, अब खाना स्टार्ट करते हैं और बाकी डिशेज जो आती है बताएंगे आपको। पकड़ पकड़ एक सब्जी हमने ट्राई की वो बहुत यमी थी, उसके बाद सेकंड सब्जी आएगी और यहाँ की एक बात होती है कोई भी सब्जी रिपीट नहीं होगी है ना, ऐसा ही होता है। तो जो भी चीज आएगी वो एक ही बार आएगी। तो अब हम फटाफट खा लेते हैं ताकि सेकंड सब्जी हमसे पहले मिल जाए। पत्तू भी आना मिठू पर। मैं यशिका का भी खा जाऊंगा। तो ऑलरेडी 4 सब्जियां हमें सर्व हो चुकी है, मद्रा, मटर पनीर, मटर मशरूम और एक चीज़ और थी आई डोंट रिमेम्बर। तो उसके बाद अब उन्होंने दोबारा से हमें राइस सर्व किए, आप देख सकते हैं। अब बाकी सब्जियां आएगी उसके बाद लास्ट में यहाँ का फेमस जो होता है, क्या होता है लास्ट में आता है, कौन से बत्तू आते हैं? मीठा पत्ती, नहीं दाल, दाल भैया दाल है, दाल आ गई। लास्ट में क्या खाएंगे हम? उधर बताओ। अब हमने चने का खट्टा लिया, तो ये क्या डिफरेंस होगा इसका हमारे जो छोले बनते हैं उनसे? तो ऐसा कुछ होता है इसमें जो अखरोट होता है शेल, उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद देन उसको पूरा जला के ग्राइंड करके उसकी ग्रेवी बनाते हैं, वो इसमें डालते हैं। तो वो स्पेशलिटी है जो इसको हमारी सिटी से चेंज करती है। यशिका ये खा नहीं रही, आपने ये चावल का क्या करा है? ढेर लगा रही है ना, घर पे जाके खाना। झूठी झूठी, ऐसे कैसे ऐसे कैसे करती है यशिका? उधर करो ऐसे। नहीं वो घर पे क्या लेके जाओगे, आपको तो घर पे ही धाम है आपके। हाँ मैं तो लेकर जाऊंगा। घर लेके जाओगे उसको? कभी आप ऐसे वो पेड़ पहाड़ बना दिया आपने, क्या देखो
तो फाइनली लास्ट में हमारे पास मीठे चावल आ गए, जिसको हमारी यशिका जी बोलती है मीठा भत्तू। आप ये देख सकते हो ऑरेंज। यशिका क्या है? क्या है हमारा? मीठा पत्तू। मीठा पत्तू आ गया इसका, है ना? मीठा पत्तू फेवरेट है आपका? क्यों? गाड़ी भी फेवरेट है। गाड़ी भी फेवरेट है। मीठा पत्तू है। चिया क्या होता है? आलू। वहाँ करियो ऐसे आलू। फाइनली अपन खा चुके हैं हम, और यहाँ की एक मेन चीज होती है, सब साथ में बैठते हैं, और जितने भी सब एक बार में बैठे होते हैं वो सब एक साथ ही उठे। तो अब सारे उठ चुके हैं। अब हमारे उठने के बाद नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट वेटिंग में पीपल्स है वो सब बैठेंगे। आप देख सकते हो, दिखा देते भाई। ये तो बहुत डेयरिंग है। यशिका, ये छोटा सा इन्होंने घर बनाया हुआ है और इसमें बहुत सारी बकरियां हैं, और मुझे तो फिलहाल डर लग रहा है। हमारी यशिका जी बिल्कुल डर नहीं रही। यशिका डर नहीं लग रहा? नहीं, ये बहुत डेयरिंग है लड़की। सच में आपके फ्रेंड है ये? यशिका कौन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोगली। अच्छा, मोगली। और ब्लैक वाली का नाम क्या? ककलू है। ककलू है। अच्छा, और व्हाइट वाली का? बकरी। चलो बाकी बकरी है। हाँ, मोगली। बाकी सारी मोगली है। चलो चलते हैं आगे, ठीक है? ये यशिका की फ्रेंड्स थी सारी, है ना यशिका? लो बुआ घर जा रहे हैं, जल्दी बोलो तो देखे। घर जा रही है बुआ। हाँ, तो अब मैं घर जा रही हूँ। हम यहाँ से फ्री हो गए हैं, और अब यशिका मुझसे मिलने आएगी ना। हम घूमे घूमे जाएंगे ना, तो आप जब दोबारा हम घूमने जाएंगे तो यशिका के साथ जाएंगे, तो मैं आपको यशिका से मिलवाऊंगी, ठीक है यशिका? चलो बाय करो वहाँ पे। चलो बाहर तक छोड़ने तो आ जाओ। तो गाइस, ये दिन और ये वीडियो दोनों यहीं पे खत्म होते हैं। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।